नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पीएम मुद्रा लोन के तहत 1,750 रुपए लोन एग्रीमेंट देकर पाए 1,00,000 रुपए तक का लोन। आइए जानते हैं इस वायरल खबर की सच्चाई। केंद्र सरकार देश में मौजूद हर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है ताकि लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। इनमें से ही एक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भी है। आप में से कई लोगों ने इस योजना के बारे में सुना भी होगा। दरअसल यह योजना साल 2015 में केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत नॉन कॉर्पोरेट या फिर गैर कृषि कार्यों के लिए एक छोटा सा लोन दिया जाता है ताकि लोग अपना कारोबार शुरू कर सके। इस योजना में 50,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। बता दें कि सरकारी लोन के तहत 3 कैटेगरी के अंतर्गत लोन मिलते हैं। जिनमें से पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का होता है। दूसरा है किशोर लोन जहां 50,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक लोन दिए जाते हैं। और तीसरा है तरुण लोन जहां सरकार 5,00,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का लोन देती है। अब इन्हीं योजनाओं के नाम पर कई तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं ताकि सरकारी योजनाओं के नाम पर आम लोगों को ठगी का शिकार भी बनाया जा सके। अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसी ही खबर देखने को मिली जहां सरकारी योजना के नाम पर तेजी से एक लेटर वायरल हो रहा था। दरअसल यह लेटर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से ही मिलता जुलता प्रतीत हो रहा था। सरकारी योजना के नाम से दावा किए जा रहे इस लेटर के एड्रेस में रीचमन टावर्स बेंगलोर कर्नाटका बताया जा रहा था। जिस तरह से इसमें एड्रेस में रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एड्रेस की चर्चा की गई थी, एक नज़र में इसे देखकर शायद कोई भी धोखा खा जाए। इस लेटर में इस बात का दावा किया जा रहा था कि 1,750 रुपये लोन एग्रीमेंट शुल्क देकर 1,00,000 रुपये तक का पीएम मुद्रा लोन आप ले सकते हैं। जब हम तक यह लेटर आई तो हमने भी इसकी जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले केंद्र सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर गए जहाँ ऐसे किसी भी एड्रेस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी नहीं दी गई थी जिसकी चर्चा इस लेटर में की गई है। आगे के जांच में हमें यह खबर पीआईबी फैक्ट चेक पर भी देखने को मिला जहां इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया था। दरअसल पीआईबी फैक्ट चेक ने इस लेटर को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया था। वहां प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट करके बताया था कि 1,00,000 का लोन लेने और इसकी स्वीकृति के लिए आपको 1,750 रुपये लोन एग्रीमेंट शुल्क देने होंगे। आगे पीआईबी द्वारा बताया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के लेटर को जारी नहीं किया गया है, इसलिए सरकारी लेटर के नाम पर यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। मालूम हो कि पीआईबी फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबर के दावे की पड़ताल करता है कि आखिर दावा किए जा रहे इस खबर की कोई सच्चाई है भी या नहीं। ठगी करने के लिए लोग हजार तरह के पैंतरे अपनाते हैं, लेकिन यह आपको सतर्क रहने की जरूरत है। याद रखें कि यदि आपको किसी भी सरकारी योजना का पता चलता है तो सबसे पहले आप सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर उसकी जाँच करें, उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाएं, नहीं तो आपको वित्तीय नुकसान और भ्रामक खबर का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।